नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, एक खबर कामटी के आशा हॉस्पिटल की है, जहां एक लड़का जिसको मामूली से हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, हॉस्पिटल गया, एनेस्थीसिया का डोज दिया डॉक्टर ने और वो मर गया। पिता का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और ओवरडोज की वजह से उसके बच्चे की जान गई। दोस्तों, जिस दिवाली को आप अपने घर में खुशियां मना रहे थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 12 तारीख की, 12 नवंबर की, 12 नवंबर को दिवाली थी, बड़े धूमधाम से लोगों ने खुशियां मनाए, लेकिन ठीक उसी समय कामटी के आशा हॉस्पिटल में एक लड़के की जान चली गई। पिता और घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी जान चली गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हमने यहाँ पहुंचा, डॉक्टर अग्रवाल से मिलने के लिए पहुंचा, तो डॉक्टर अग्रवाल ने मिलने से पहले ही वो बाहर से ही किसी दूसरे डॉक्टर का नाम बता दिया, जिसका नाम था डॉक्टर रसूल लौरी। डॉक्टर रसूल लौरी से जब हमने बातचीत किया, तो बातचीत में उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट है। सवाल ये है कि किसी की जान गई है, किसी के घर का चिराग बुझ गया है, लेकिन आशा हॉस्पिटल के डॉक्टर किस तरीके से बात करते हैं, यानी कि वो एक ठीक से बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर किस वजह से जान गई। उनका कहना है कि पुलिस में केस है। अरे पुलिस में केस है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना, वो क्या हो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन किस वजह से जान गई ये तक ठीक से डॉक्टर बताने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डॉक्टर की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, खुल के आशा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की। मामूली सा एक यहाँ पे एक फ्रैक्चर हुआ था कंधे पे, जबकि घर के अलमारी से कुछ सामान निकालते समय वो गिर गया था। ये बहुत मामूली से था, उसके गिरने के 3-4 दिन के बाद में यहाँ पे आया वो, उसको एडमिट किए, और उसको एडमिट करने के बाद में बताया जाता है कि उसको एनेस्थीसिया नामक, जिसको बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले दिया जाता है, उसने दिया, जिस भी तरीके से प्रक्रिया से दिया जाता हो, लेकिन वो देते समय अगर मेडिकल रिपोर्ट्स की और एक्सपर्ट्स की बात करें, तो अगर जरा सा भी एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा हुआ, तो ओवरडोज की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। और जो पेशेंट खुद चल रहा है, बात कर रहा है, हल्की सी मामूली सी कंधे पे एक फ्रैक्चर आया हो और उसका ऑपरेशन के लिए किसी की जान चली जाए, अपने आप में बड़ी बात है। और उसके बाद भी घर वालों को सूचना देने की बात होती है, तो पहले हॉस्पिटल का शटर बंद कर दिया जाता है, पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया जाता है, उसके बाद में घर वालों को उसकी जानकारी दी जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं से डॉक्टर की जो लापरवाही है वो सामने आती है, डॉक्टर की जो हरकतें हैं उससे साफ नजर आता है कि डॉक्टर की गलती की वजह से किसी मासूम की जान गई है। वो मासूम जो घर चलाता था, वो मासूम जिनके छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, वो मासूम के पिता से हम बात करेंगे। आपका क्या कहना है, कैसे डेथ हुई सर? उसकी डेथ सर, मैंने उसको एडमिट किया सर, उसके एडमिट के ऑपरेशन के दरमियान ही सर उसको एनेस्थीसिया का ओवरडोज होने की वजह से या डॉक्टर की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई है सर। और डॉक्टर जो बंसल डॉक्टर जो नागपुर जाते सर, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही इसके अंदर का, उनके डॉक्टर बंसल और एनेस्थीसिया देने वाली मैडम का नाम है सर सविता जायसवाल, जिसने एनेस्थीसिया दिया था उसको, एनेस्थीसिया देने और उसको इतना फास्ट ऑपरेशन सर, गुरुवार को उसको एडमिट किए और फ्राइडे को उसको, गुरुवार को ओपीडी किए और फ्राइडे को उसकी एडमिट किए और शनिवार को ऑपरेशन किए सर। जब आपको बताया कि उसकी डेथ हो गई है, तो उससे पहले पुलिस आ गई थी कि पहले आपको? नहीं सर, डेथ आ गई होने के पहले पुलिस बुलाया सर, उन्होंने पूरा पुलिस बनाने के बाद में हमको बताया सर, उन्होंने बाद में आपको बताया। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है कि ये किसी बड़े पॉलिटिशियन का हॉस्पिटल है, इनका संपर्क बड़े लोगों से, कहने का मतलब, और जिसकी वजह से एक गरीब को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। खैर, इस संबंधित हम अगली मुलाकात हम बातचीत करेंगे यहाँ के जांच अधिकारी और यहाँ के इंस्पेक्टर न्यू कामटी पुलिस स्टेशन के प्रमोद पूरे से, जो इंस्पेक्टर है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे उनका क्या कहना है और क्या सारी चीजें वो अभी तक जांच पड़ताल कर चुके हैं। खैर, डॉक्टर ने बात करने से मना किया है और किसी की जान जाना, ऐसा लग रहा है डॉक्टरों से बात करने के बाद कि किसी कीड़े मकोड़े की जान चली गई, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, पैसे के सामने किसी की जान गई है, अपनी लापरवाही है, अपनी गलती मानने तक को तैयार नहीं है। मानना तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात हो गई, सामने आके कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ आप बने रहे, वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ, मैं वीर सिंह, बीसीएन न्यूज। इस तरह की घटनाएं अगर किसी और के साथ भी हुई है और उन्हें लगता है कि उनकी आवाज भी बेबाक निडर तरीके से उठनी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं को हम उठाएंगे और आशा हॉस्पिटल में चल रहे इस तरीके की लापरवाही को सामने लाएंगे।